हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइस, फाइनली इस वीक का डायनामाइट स्पेशल हॉलिडे बैश शो हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और हम जानेंगे कि इस वीक के डायनामाइट स्पेशल हॉलिडे बैश पर क्या क्या हुआ और हमें इस शो पर कौन कौन सी चीजें देखने को मिली है। इसलिए ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस, अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और करते इस वीक हुए डायनामाइट स्पेशल हॉलिडे बैश का रिव्यू और जानते हैं कि शो पर क्या क्या हुआ। तो गाइज, डायनामाइट स्पेशल हॉलिडे बैश की शुरुआत एक वन ऑन वन मैच से हुई जहां पर हमें स्वर्व स्विट्जरलैंड रूस को फेस करते हुए दिखाई दिए। और गाइज, इस ओपनिंग मैच के अंदर रूस यहां पर स्वर्व स्विट्जरलैंड पर काफी तगड़ा अटैक करने के लिए गए क्योंकि वो पहले से इस मैच से क्योंकि देखने में लग रहा था कि वो इस मैच के पहले से इंजोर चल रहे है और इसलिए वो यहां पर स्वर्व स्विट्जरलैंड को मौका नहीं देना चाहते। पर फिर भी एक टाइम के लिए स्वर्व ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर रूस के पैरों को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया, जिसके बाद हमें इस मैच के अंदर काफी बढ़िया बैक एंड फोर्थ एक्शन देखने को मिला जहां पर कई बार रूस ये मैच हारने काफी करीब पहुंच चुके थे पर फिर भी वो इस मैच के अंदर बने रहे। लेकिन आखिरकार स्वर्व स्टॉर्म के सामने रूस भी कुछ नहीं कर पाए और यहाँ पर रूस पर अपना फिनिशर लगाकर उन्हें पिन कर स्वर्व ने मैच जीत लिया है और स्वर्व ने फिर एक बार इस टूर्नामेंट के अंदर और 3 पॉइंट्स ग्रैब कर लिए है। तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि आगे क्या होता है क्योंकि फिलहाल के लिए स्वर्व भी टूर्नामेंट के अंदर 12 पॉइंट से जॉन मॉक्सली के साथ लीड पर थे। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर लास्ट वीक कोरियन शो पर हुए कॉन्टिनेंटल क्लासिक मैचेस का रिकैप देखने को मिला, जिसके बाद हमें क्रिस जेरिको एक बैकस्टेज सेगमेंट के थ्रू बात करते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर बात करते हुए क्रिस जेरिको ने रिवील किया कि गाइस, लास्ट वीक केनी ओमेगा को कुछ इलनेस हुई है, इसके चलते प्रोबेबली केनी ओमेगा AEW के शोज पर नहीं आ पाएंगे। पर क्रिस जेरिको होप करते हैं कि केनी ओमेगा काफी जल्दी हेल्दी होकर AEW के शोज पर आ पाए और वर्ल्ड्स एंड पेपरव्यू पर अपना मैच रसल कर पाए। पर तब तक गुड बाय, गुड नाइट और बैंग ये कहकर क्रिस जेरिको ने एक तरीके से यहाँ पर केनी ओमेगा को एक अच्छी रिकवरी करने के लिए गुड लक विश किया, जिसके बाद हमें डायनामाइट शो पर कॉन्टिनेंटल क्लासिक कप टूर्नामेंट का एक और मैच देखने को मिला जहां पर हमें मार्क ब्रिस्को जे लीथल को फेस करते हुए दिखाई दिए। और गाइस, इस मैच के अंदर तो मार्क ब्रिस्को फ्रेंडली रेसल करना चाहते थे पर जे लीथल ने यहां पर मार्क ब्रिस्को पर स्लैप कर ऐसा दिखाना स्टार्ट कर दिया कि वो यहां पर फ्रेंडली कॉम्पिटिशन के लिए नहीं आए, जिसके बाद हमें इस मैच के अंदर दोनों ही सुपर स्टार्स की तरफ से कुछ काफी खतरनाक और काफी तगड़े मूव्स देखने को मिले और लग रहा था कि एक टाइम के लिए दोनों अपनी फ्रेंडशिप भूल कर इस मैच के अंदर एक दूसरे पर काफी तगड़ा अटैक कर रहे हैं। जिस बीच इस मैच के अंदर मार्क ब्रिस्को काफी बार जे लीथल का फिनिशर रिवर्स कर देते जो देखकर सरप्राइजिंगली एक टाइम के लिए जे लीथल ने मार्क ब्रिस्को पर उनके ही भाई यानी कि जे ब्रिस्को का फिनिशर जे डीलर लगा दिया, लेकिन फिर भी मार्क ब्रिस्को किक आउट कर पाए और फाइनली यहाँ पर जे लीथल पर उनका फिनिशर रिवर्स कर अपने भाई का फिनिशर जे डीलर लगाकर उन्हें पिन कर मार्क ब्रिस्को ने यह मैच जीत लिया है और मार्क ब्रिस्को ने इस टूर्नामेंट के अंदर अपने फर्स्ट 3 पॉइंट स्कोर कर लिए है, जिसके बाद इन दोनों ने एक दूसरे के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी दिखाई। तो देखने के लिए मजा आएगा कि अब आगे क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर वार्डलो के लिए खाया वीडियो देखने को मिला जहां पर बात करते हुए वार्डलो ने कहा कि वार्डलो ऐसे पहले इंसान बनेंगे जो कि डेविल को अपनी नीज पर लाकर रख देंगे, जो बात यहाँ पर वार्डलो ने कही है। तो देखना पड़ेगा कैसा करने के लिए वार्डलो क्या क्या करते हैं। पर इसके बाद हमें समोआ जो डायनामाइट शो पर आकर बातें करते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर बातें करते हुए समोआ जो ने कहा कि समोआ जो ने लास्ट वीक सभी सही सवाल पूछे थे कि डेविल कौन है, उन पर क्यों अटैक कर रहा है, लेकिन समोआ जो को लगता है कि उन्होंने ये सवाल गलत आदमी से पूछे है क्योंकि अब रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग की बातें सुनकर समोआ जो को भी लग रहा है कि रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग सच बोल रहे हैं और यहाँ पर समोआ जो सही सही जवाब चाहते है। इसलिए समोआ जो ने यहाँ पर MJF को कॉल आउट किया, जिसके बाद MJF भी यहाँ पर आ गए और यहाँ पर आकर समोआ जो से बात करते हुए MJF ने उनसे पूछा कि क्या समोआ जो का कहना है कि MJF ही डेविल है, जिस पर समोआ जो ने हाँ कहा। लेकिन यहीं पर जवाब देते हुए MJF ने कहा कि हाँ कहने से पहले समोआ जो ऐसा सोच भी नहीं सकते है क्योंकि पहली बात तो समोआ जो ने MJF को डेविल से बचाने के बारे में कहा था, लेकिन समोआ जो अपने उस टास्क के अंदर फेल हो रहे है। और दूसरी बात, क्या समोआ जो इतने डम है कि उन्हें लगता है कि MJF खुद डेविल बनकर अपने आप पर अटैक करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है और MJF सच में ढूंढ कर निकालने वाले है कि उस डेविल मास्क के पीछे कौन है। लेकिन जहां तक बात है समोआ जो की, तब तक MJF पर भी अटैक हो चुका है लेकिन समोआ जो पर नहीं, तो क्या इसका मतलब समोआ जो तो उस डेविल से लिंक नहीं है। जो बातें कहकर यहाँ पर एक तरीके से MJF ने समोआ जो पर ही टारगेट किया और MJF कह रहे थे कि अगर ऐसा है तो फिर MJF यही कही समोआ जो को अपनी जगह दिखाने वाले है। जो कहकर यहाँ पर MJF समोआ जो पर जा ही रहे थे, कितने में यहाँ पर डेविल के आदमी आ गए और समोआ जो और MJF ने मिलकर इन डेविल के आदमियों से फाइट बैक किया, पर यहाँ पर काफी सारे लोग आ गए और उन्हें रिंग को घेर लिया। लेकिन इससे पहले कि यहाँ पर कुछ होता, सभी लाइट्स ऑफ हुई और हमें टाइटनट्रॉन स्क्रीन पर फिर एक बार डेविल मास्क पहना हुआ आदमी देखने को मिला, जिसने फिर एक बार स्क्रीन पर वर्ड्स के थ्रू MJF और समोआ जो को रिंग ऑफ ऑनर वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए चैलेंज किया है। जो देखकर यहाँ पर समोआ जो और MJF काफी कंसर्न थे और यहाँ पर
माइक लेकर बात करते हुए एमजेफ कह रहे थे कि एमजेफ को पता है कि समोआ जो फ्रिक बार एमजेफ का साथ देने के लिए टैग टीम के अंदर काम नहीं करना चाहते, पर एमजेफ की इन बातों के बीच में ही एमजेफ के हाथ से माइक छीनकर यहां पर बात करते हुए समोआ जो ने डेविल का ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। और यहां पर एमजेफ से बात करते हुए समोआ जो ने कहा कि अगर उन्हें फाइनली पता करना है कि डेविल कौन है तो उन्हें डेविल के आदमियों से शुरुआत करनी चाहिए, जो बात यहां पर समोआ जो ने कही। और एक कहकर समोआ जो यहां चले गए तो देखने के लिए मजा आएगा कि जब फ्रिक बार समोआ जो और एमजेफ एक टैग टीम मैच के अंदर साथ मिलकर काम करते हैं तो ये मैच कितना जबरदस्त होता है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर रेनेपिकेट बैकस्टेज में ऑरेंज कैसिडी, क्रिस स्टैटलैंडर, रॉकी रोमेरो और ट्रेंट का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी। और यहां पर सबसे पहले रॉकी रोमेरो से बात करते हुए रेनेपिकेट ने रॉकी रोमेरो से पूछा कि वो क्या कर रहे हैं। और यहां पर बात करते हुए रॉकी रोमेरो ने कहा कि हाल ही में रॉकी रोमेरो CMLL कंपनी पर अपनी एक चैंपियनशिप हार चुके हैं, जिस चैंपियनशिप को रॉकी रोमेरो ने पिछले करीब करीब 500 दिनों से पकड़ा हुआ था। और अब उनके पास चैंपियनशिप नहीं है और उन्हें कोई चैंपियनशिप चाहिए, जो बात यहां पर रॉकी रोमेरो कह रहे थे। कितने में सामने से यहां पर ऑरेंज कैसिडी ने रॉकी रोमेरो से कहा कि क्यों ना रॉकी रोमेरो ऑरेंज कैसिडी की इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए आए। और एक कहकर ऑरेंज कैसिडी यहां चले गए और ऑरेंज कैसिडी ने रॉकी रोमेरो के लिए सामने से एक स्पॉट ऑफर किया है, जो देखकर रॉकी रोमेरो भी काफी सरप्राइज थे क्योंकि ये दोनों दोस्त थे। तो देखने के लिए मजा आएगा कि जब ये मैच होता है तब ये मैच इतना जबरदस्त होता है। पर इसके बाद हमें टाइमलेस स्टोन स्टॉर्म कॉमेडी टेबल ज्वाइन करती हुई दिखाई दी, क्योंकि आगे शो पर सराय वन ऑन वन मैच के अंदर रियो को फेस कर रही थी। और गाइज, इस मैच की शुरुआत से ही सराय इस मैच के अंदर अपनी साइज का एडवांटेज उठाकर रियो पर काफी तगड़ा अटैक कर रही थी और लग रहा था कि सराय वन साइडेडली इस मैच के अंदर काफी डोमिनेट कर रही है। और यहां पर रूबी सो भी बैकस्टेज से इस मैच के ऊपर नजर बनाए रखी थी, पर जैसे ही सराय इस मैच में अपने फिनिशर के लिए गई उसी पॉइंट पर अपना इस मैच के अंदर कमबैक कर रियो ने सराय पर काफी तगड़ा अटैक किया और सराय पर एक के बाद एक काफी जबरदस्त मूव लगाकर उन पर फाइनली अपना फिनिशर लगाकर उन्हें पिन कर रियो ने ये मैच जीत लिया है, जो देखकर बैकस्टेज से रूबी सो काफी हंस रही थी। मानो कि वो कह रहे हो कि सराय भी रियो को नहीं हरा पाई, लेकिन रियो के मैच जीतते ही यहां पर टाइमलेस टोन स्टॉर्म रिंग के अंदर आए, जिन्हें देखकर रियो ने डायरेक्टली टोन स्टॉर्म पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और उन पर अपना सिग्नेचर 619 भी लगा दिया। और रियो यहां पर टोन स्टॉर्म को देखकर चैंपियनशिप का जेस्चर कर ही रही थी, कितने में पीछे से मरिया मैंने आकर विमेंस चैंपियनशिप से रियो पर अटैक कर दिया। मानो कि यहां पर मरिया मैं कह रही हो कि उन्होंने टोन स्टॉर्म को बचा लिया है, पर मरिया मैं की हरकत देखकर टोन स्टॉर्म रिंग छोड़कर चली गई, जहां पर मरिया मैं को लग रहा था कि प्रोबेबली टोन स्टॉर्म उनसे काफी प्राउड होंगी, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि बाकी स्टोरी के अंदर क्या होता है। पर इसके बाद में डायनामाइट शो पर टोनी शिवानी एक लेटर पढ़ते हुए दिखाई दिए, जहां पर टोनी शिवानी ने रिवील किया कि ये लेटर उन्हें क्रिश्चियन केज की तरफ से आया है। और यहां पर इस लेटर के अंदर बात करते हुए क्रिश्चियन केज ने कहा कि एडम कोपलन यानी कि एज को हराने के बाद क्रिश्चियन केज एक काफी लंबे वैकेशन पर गए हैं, लेकिन क्रिश्चियन केज इस वीक के कोरियन शो पर रिटर्न करने वाले है, जहां पर क्रिश्चियन केज एडम कोपलन यानी कि एज के चैलेंज का जवाब देंगे, जो बात यहां पर क्रिश्चियन केज ने इस लेटर के अंदर कही थी। तो देखना पड़ेगा कि आगे क्या होता है। पर इसके बाद हमने देखा कि एमजेफ और समोआ जो बैकस्टेज में फिर एक बार आर्ग्यू कर रहे थे इस चीज को लेकर कि डेविल कौन है, पर यहां पर एमजेफ ने कहा कि एमजेफ अपने अपने रास्ते चले जाने वाले हैं, जिसके बाद एमजेफ यहां चले गए। पर जाते जाते एमजेफ ने देखा एक मास्क पड़ा हुआ था और एमजेफ ने मास्क उठाया और उन्हें याद आया कि शायद ये वही मास्क है जो कि डेविल के गून से पहना था। और एमजेफ ने जब लॉकर रूम का दरवाजा देखा तो ये लॉकर रूम मुगल एम्बेसी का था, जहां पर एमजेफ ने लॉकर रूम पर नॉक किया और यहां पर प्रिंस नाना बाहर आए और डायरेक्टली एमजेफ ने प्रिंस नाना के गले से पकड़ा और उन्हें पूछा कि डेविल कौन है। पर इतने में यहां पर स्वर्व आ गए और स्वर्व ने कहा कि एमजेफ को प्रिंस नाना पर अटैक नहीं करना चाहिए। पर यही पर स्वर्व से बात करते हुए एमजेफ ने कहा कि एमजेफ सिर्फ एक बात जानना चाहते हैं कि क्या स्वर्व किस तरीके से डेविल से लिंक्ड है या नहीं, या फिर मुगल एम्बेसी के बीच का कोई मेंबर क्या डेविल के लिए काम कर रहा है। जिस पर बात करते हुए स्वर्व ने कहा कि स्वर्व को किस पर छुपकर अटैक करने की जरूरत नहीं है और वो भी हैंगमैन पेज की तरह एमजेफ पर सामने से अटैक करेंगे। पर आज के बाद अगर एमजेफ फिर एक बार स्वर्व को अक्यूज करते हैं तो फिर स्वर्व के लिए नेक्स्ट एमजेफ की वर्ल्ड चैंपियनशिप होगी, जो बात यहां पर स्वर्व ने कही। और यहां पर इन दोनों के बीच में चीजें काफी एक्सलेट हो ही रही थी और मुगल एम्बेसी यहां पर आ ही रही थी। कितने में यहां पर एमजेफ को बचाने के लिए समोआ जो भी आ गए और यहां पर दोनों सेपरेट वेज में चले गए। तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि आगे क्या होता है। लेकिन यहीं पर हमने देखा कि प्रिंस नाना स्वर्व को लॉकर रूम के अंदर ले जाते हुए कह रहे थे कि कोरियन शो पर कुछ हुआ है जिसके बारे में स्वर्व को पता होना चाहिए, जो बात यहां पर प्रिंस नाना ने कही। तो देखना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है, कि क्या प्रिंस नाना ने स्वर्व के बिहाफ पर डेविल की तरफ से कोई डील एक्सेप्ट की है या नहीं। लेकिन सच में फिर एक बार स्टोरी देखने के लिए काफी मजा आ रहा है। लेकिन इसके बाद में डायनामाइट शो पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग एक वन ऑन वन मैच के अंदर कमांडर को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहां पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस फिर एक बार ये मैच डायनामाइट शो पर एक काफी शानदार मैच रहा है, जहां पर मानो रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग अपना होमवर्क कर आए थे, क्योंकि वो यहां पर इस मैच के अंदर कमांडर के हर एक मूव को रिवर्स कर रहे थे और कमांडर को इस मैच के अंदर बढ़त बनाने का कोई मौका ही नहीं दे रहे थे। लेकिन फिर भी कमांडर कई बार इस मैच के अंदर अपने थोड़े फार हाई फ्लाइंग मूव्स लगा पाए, लेकिन आखिरकार आउट ऑफ नोवेयर कमांडर के हाई फ्लाइंग ऑफेंस को रिवर्स कर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने उन पर अपना फिनिशर लगा दिया और उन्हें पिन कर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने यह मैच जीत लिया। और ये मैच जीतते ही
रॉडरिक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर ऐसी परिचय बांटना स्टार्ट कर दिया जिस पर लिखा था कि एमजेएफ ही डेविल है। और जब रेने पेकी ने रिंग के अंदर आकर रॉडरिक स्ट्रॉन्ग का इंटरव्यू लेते हुए उनसे पूछा कि रॉडरिक स्ट्रॉन्ग क्या कर रहे हैं, जिस पर रॉडरिक स्ट्रॉन्ग ने कहा कि रॉडरिक स्ट्रॉन्ग वही कह रहे हैं कि जो कि सच है। और रॉडरिक स्ट्रॉन्ग को यह देखकर काफी खुशी हुई कि समाजो भी मान रहे हैं कि प्रोबेबली एमजेएफ डेविल हो सकते हैं, पर समाजो ने अब तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। पर रॉडरिक स्ट्रॉन्ग को पता है कि समाजो उनके काफी अच्छे दोस्त थे और समाजो को अगर अपने आप को डिफेंड करना है तो डेविल के समाजो पर अटैक करने से पहले ही समाजो को डेविल पर अटैक करना चाहिए, यानी कि एमजेएफ पर अटैक करना चाहिए। जो बात यहाँ पर रॉडरिक स्ट्रॉन्ग ने कही तो देखना पड़ेगा कि क्या रॉडरिक स्ट्रॉन्ग की बातें सच होती है और क्या डेविल मास्क के पीछे एमजेएफ ही है। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर टोनी खान ने अनाउंस करते हुए दिखाई दिए कि फाइनली हमें कॉमेडी टीम पर जिम रॉस अपना रिटर्न करते हुए दिखाई देने वाले है, जिसके बाद जिम रॉस भी कॉमेडी के लिए आए। और यहाँ पर टाइम हो चुका था डायनामाइट शो के मेन इवेंट का, जहाँ पर हमें जॉन मॉक्सली कॉन्टेंडर क्लासिक कप टूर्नामेंट के मैच के अंदर जे व्हाइट को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस फिर एक बार जॉन मॉक्सली और जे व्हाइट इनके बीच का ये मैच एक काफी जबरदस्त मैच रहा है। और गाइस ये एक ऐसा मैच है जो किसी पेपर पर हो सकता है। जो मैच हमें डायनामाइट शो पर देखने को मिला था, जिस चीज से फैंस को तो इस मैच के अंदर काफी इंटरेस्ट आ रहा था। और दोनों स्टार्स ने इस मैच के अंदर अपनी काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, जो देखकर एक टाइम के लिए इस मैच के अंदर दिस इज ऑसम और फाइट फॉरएवर के भी चांस हो रहे थे। और काफी बार इन दोनों ने एक दूसरे के फिनिशर्स को भी रिवर्स कर दिया और लग रहा था कि मॉक्सली मैच जीतने काफी करीब पहुंच चुके हैं। लेकिन गाइस सरप्राइजिंगली आउट ऑफ नोवेयर मॉक्सली पर अपना फिनिशर ब्लेड रनर लगाकर उन्हें पिन कर जे व्हाइट ने मैच जीत लिया है। और इस तरीके से जॉन मॉक्सली इस टूर्नामेंट के अंदर अपना फर्स्ट मैच हार चुके हैं और अब जे व्हाइट को भी इस टूर्नामेंट के अंदर 3 पॉइंट्स मिल चुके हैं, यानी कि स्वर मॉक्सली और जे व्हाइट तीनों ही 12 पॉइंट से इक्वल है। और जे व्हाइट की मैच जीतते ही यहाँ पर स्वर आ गए और यहीं पर इन तीनों के फेस ऑफ के साथ इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर गया, जो शो मुझे काफी पसंद आया है। और गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस शो पर क्या कहना है। पर ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग इलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing at all with me this time?